कर्नाटक में सियासी नाटक के बीच आकर कर्नाटक स्पीकर 14 विधायकों के इस्तीफे पर फैसला सुनाएंगे। पहले कांग्रेस और जेडीएस के 13 विधायकों ने इस्तीफा देकर गठबंधन वाली सत्ता की कुर्सी हिलाई। इसके बाद फिर दो निर्दलीय विधायक एच नागेश और आर शंकर ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर रही सही कसर पूरी कर दी। ऐसे में इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या 15 हो गई है। दोनों निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के समर्थन देने का फैसला किया है। लगातार घमासान मचा हुआ है कर्नाटक में, थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 14 विधायक जो इस्तीफा दे चुके हैं उनके ऊपर फैसला सुनाएंगे आज स्पीकर। तो कर्नाटक में जारी सियासी घमासान का अंत क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। घटनाक्रम में बैठकों के लंबे दौर के बाद कुमारस्वामी का दावा है कि मामला सुलझ गया है। हालांकि कैबिनेट से कांग्रेस और जेडीएस के तमाम मंत्री और खुद प्रदेश के डिप्टी सीएम इस्तीफा दे चुके हैं और मामले की गूंज देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भी सुनाई दी है। देखिए, कर्नाटक में राजनीतिक उठापटक के बीच सोमवार को कांग्रेस और जेडीएस के सभी मंत्रियों ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। जल्द ही कैबिनेट का पुनर्गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने कहा कि यह मामला सुलझ गया है, सरकार को कोई खतरा नहीं है और सरकार आसानी से चलने वाली है। एक तरफ कुमार स्वामी का दावा है कि सरकार को कोई संकट नहीं है, वहीं इससे पहले निर्दलीय विधायक एच नागेश ने भी मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। नागेश ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो वो उनके साथ रहेंगे। दूसरी ओर मंत्री जमीर अहमद ने कहा कि जितने भी विधायक बीजेपी के कैंप में गए हैं उनमें से कई वापस लौट आएंगे। बता दें कि कांग्रेस और जेडीएस के 13 विधायक अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। कि बीजेपी का ये चाल है करके, और ये लोग कुछ भी करने दो, आज शाम तक आप इंतजार करो, अभी जो 10 लोग उनके कैंप में जो है 5 से 6 दिन रात तक वापस। अभी पार्टी का आदेश होना चाहिए ना, मैं ऐसे थोड़ी बम्बई जा सकता हूँ। पार्टी अगर मेरे को आदेश देगा बम्बई नहीं और बॉम्बे जिधर भी बोलेगा मैं जाके काम करने के लिए पार्टी का तैयार हूँ। यस नागेश ने रिजाइन किया करके आपके माध्यम से जरूर मालूम हुआ हमारे को, अगर वो भी देगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हालांकि इस सब के बीच जेडीएस नेता और मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया के सामने सरकार बचाने की चुनौती लगातार बनी हुई है। राज्य में सरकार बनाने और बचाने के लिए बीजेपी और जेडीएस में बैठकों का दौर पूरे दिन चलता रहा। सोमवार को मुख्यमंत्री जी परमेश्वरा ने अपने आवास पर कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों को नाश्ते पर बुलाया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ कई मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि इस बीच ये खबर भी है कि सरकार बचाने के लिए कुमार स्वामी भी इस्तीफा दे सकते हैं। 13 महीने पुरानी गठबंधन की सरकार को लेकर होटल ताज वेस्ट एंड में रविवार शाम को बैठक भी हुई थी। इसमें एचडी देवगौड़ा, कुमार स्वामी और जी परमेश्वर के अलावा कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। बैठक के पहले कुमार स्वामी के मंत्री देवगौड़ा ने कहा था कि अगर समन्वय समिति सिद्धारमैया को सीएम बनाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। माना जा रहा है कि गठबंधन सरकार बचाने के लिए कुमार स्वामी भी इस्तीफा दे सकते हैं। और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि इस बीच विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहां बीजेपी के पास 105, कांग्रेस के पास 78, जेडीएस के पास 37, बीएसपी के पास 1, केपीजेपी के पास 1 और निर्दलीय के पास 1 विधायक है। हालांकि कर्नाटक में जारी सियासी ड्रामे की गूंज देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी सुनाई दी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी ने इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दिया।
कर्नाटक में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और आज तक का हमारी पार्टी का इतिहास रहा है किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के संसद सदस्य अथवा विधायक के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके अथवा उसको किसी प्रकार का प्रलोभन देकर दल बदल कराने की कोशिश हम लोगों ने नहीं की है। क्यों इसे मैं एक चीज और इसलिए नहीं की है अध्यक्ष महोदय, संसदीय लोकतंत्र की गरिमा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की गरिमा को बनाए रखने के प्रति हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि अगर कांग्रेस जेडीएस के 13 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाते हैं तो विधानसभा में कुल 211 विधायक रह जाएंगे। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को अगर छोड़ दिया जाए तो यह संख्या 210 की होगी और बहुमत के लिए 106 विधायकों की जरूरत होगी। ऐसे में कुमारस्वामी सरकार अल्पमत में आ सकती है और एक निर्दलीय विधायक के साथ बीजेपी बहुमत साबित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।